वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जी ने 12 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। आपने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रोमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस जैसी समस्या की गंभीरता को समझा और 16 सालों से भी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीस और जेन आर्थ्रो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर जी के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। और आज डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर जी स्टूडियो में हैं, इस बात का फायदा उठाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड और पूछते हैं डॉक्टर जी से कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में वो हमारे लिए क्या लाए हैं। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आप घर पे बैठे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते अच्छे डॉक्टर को ढूंढने के लिए। और अच्छा डॉक्टर ढूंढना एक लॉटरी से कम नहीं है आजकल। हम आपको यहाँ से प्रोग्राम के जरिए लगातार इन्फॉर्म करते हैं और साथ साथ एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को रोक सकें। लेकिन एक चीज लोग नहीं भूलते जब उनको दर्द होता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और पेन किलर्स लेना डेंजरस है, नहीं बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब जान भी जा सकती है, लिवर का डैमेज होना, किडनीज का डैमेज होना, अल्सर्स बनना पेट के अंदर, कुछ खा नहीं पाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि मसल्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, स्राइस के फॉर्मूले को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, साइकिलिंग करना ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि घुटने की है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और घुटने की अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एक्सरसाइजेस जो हम बताते हैं आपको प्रोग्राम्स में उनको करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जी चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक द फर्स्ट फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। मैम मैं वंदना कुमारी वंदना गोस्वामी झांसी से बोल रही हूँ और मेरी एज 47 है मैम। जी जी वंदना जी, बताइए कैसे आपने याद किया हमें, बताइए। सर हम तो आपको रोज याद करते हैं, रोज जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह से आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं। जी वंदना जी क्या जानना चाहती हैं आप, बताइए। सर स्टार्टिंग में ये था कि पहले मुझे मोच की प्रॉब्लम होती थी, मोच आ गई, डॉक्टर को दिखाया तो वही उन्होंने बोला कि आप एक्सरे डिजिटल करा के लाइए। सर मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे तो मैंने डिजिटल तो नहीं कराया, मैंने सिविल में कराया था इससे, तो उन्होंने यही बोला कि आपकी ये हड्डियाँ वो गैप वैप हो गया है जी। तो फिर मैंने डायरेक्ट आपका प्रोग्राम क्योंकि देखती थी जी, तो मैंने आपकी टीम से सर बात करी और अब फिर आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं जब साइकिलिंग का सुनती थी सर, तो मैंने लास्ट फेब में सर मैं साइकिलिंग के लिए खुद गई साइकिल की दुकान पर कि आज मैं लेके ही आऊंगी। अच्छा जी, जी। लेकिन वहां पर सर जब मैं पहुंची तो मेरी हालत ये थी कि मैंने पैर जब साइकिल पर रखा ना जी, तो वो बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था, मैंने बोला मुझे चाहिए नहीं साइकिल। अच्छा जी। तो उसने मुझे बोला अरे मैडम आप घबराइए नहीं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, आप ले जाइए जी। सर ऐसे करते करते जब साइकिल लेके मैं घर आई तो 1-2 मिनट के लिए भी पैर नहीं घूमता था जी, जी। सर आप खुशी की बात ये है कि मैं 1 घंटे साइकिल खूब आराम से चला लेती। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बात सर ये है कि सर मुझे ये आपका ट्रीटमेंट लेते हुए सर बहुत टाइम हो गया जी, मैंने लास्ट 3rd of August से शुरू किया है सर। वंदना जी मुझे ये बताइए कि जब आपने हमारी ट्रीटमेंट शुरू करी थी उससे पहले
क्या आपके जॉइंट्स में अकड़न होती थी, सर्दियों में प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, या आपने नोटिस किया बारिशों के मौसम में परेशानी काफी होती थी? हाँ जी सर, आप सुन। तो वंदना जी, आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसलिए आपको आर्थराइट प्लस की मेंटेनेंस डोजेज लेना बहुत जरूरी है, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को। अभी जन आर्थरो कंटिन्यू कीजिए, साइकिलिंग पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, घुटने की एक्सरसाइज थोड़ी और कीजिए, और जब आप साइकिल चलाएं तो ध्यान दें कि थोड़ा सांस फूले और उसका लीवर थोड़ा सा टाइट कर लीजिए कि आपका थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगे, उससे आपका वेट लॉस भी होना शुरू होगा, शरीर में से टॉक्सिन्स भी निकलने शुरू होंगे। जब आपका घुटना एकदम फिट हो जाए, मसल स्ट्रांग हो गई, आप सीढ़ी चढ़ पा रही हैं, अपने सारे काम कर पा रही हैं, उस टाइम पे जन आर्थरो बंद कर दीजिएगा और आर्थराइट प्लस को भी दो कैप्सूल से एक कैप्सूल पे ले आइएगा, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को, उसको लेते रहिए और उसको लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन भर आपने लेते रहना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अकड़न की फिर से लौट कर आएगी। चलिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू जी सर। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आप भी डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि आप आर्थराइटिस को कैसे रिवर्स करें। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, अक्सर लोग फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करते हैं, कुछ लोगों को एक शोल्डर में होता है, कुछ लोगों को दोनों शोल्डर में होता है, तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर में हॉट या कोल्ड कौन सा कंप्रेशन करना चाहिए? दोस्तों, अगर चोट लगती है आपके शोल्डर के अंदर यानी कि एक एक्यूट इंजरी होती है, उस टाइम पे आइसिंग करें, लेकिन जब एडहेशन हो जाते हैं यानी कि वहाँ पर वो चिपक जाता है यानी कि फ्रीज हो जाता है, तो उस समय हीट देखी गई है कि ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो अपनी बॉडी की आवाज़ सुने, सबसे पहले हीट दे के देखें अगर पुरानी कंडीशन है, और हीट से अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो, आइसिंग ट्राई करके देखिए, आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी। हीट के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है दूसरे जॉइंट्स में जब फ्रेश इंजरी होती है, कि हम उसको लगाते हैं, आराम मिलता है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद दर्द बढ़ जाता है। अगर आपका दर्द बढ़ जाता है, उस चीज़ को अवॉइड करें, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर रेकमेंड हमेशा करेंगे कि आप हीट दें, लेकिन फिर भी टेस्ट करके जरूर देखें। डॉक्टर जी, यहाँ लेते हैं एक और फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं आबिदा, कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से बात कर रही हूँ। आबिदा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप नॉर्थ कश्मीर के कौन से इलाके से बोल रही हैं? बारामूला से बोल रही हैं जी। तो क्या जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, बताइए। डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेरी थी रिलेटेड हेल्थ जी। मेरी मम्मा को एडवाइस करा है डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट। अच्छा जी। सो हम चाहते हैं कि कोई और ऑप्शन, कोई और ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने आपका शो देखा जी, तो बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ से फायदा लिया हुआ है जी, तो इसलिए हमने भी उम्मीद होके यहाँ कॉल की। जी जी जी, आबिदा जी कुछ जानना चाहूंगा, ऑपरेशन बताया गया है, लेकिन साथ साथ जानना चाहूंगा कि कितनी बिगड़ी है उनकी कंडीशन, क्या वो इस कंडीशन तक पहुंच चुकी हैं कि रात को भी वो सो नहीं पाती, दर्द इतना होता है, या अगर घुटना टकरा जाए तो एक दूसरे से तो भी दर्द होता है? जी दर्द होता है बहुत ज्यादा। उस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं? जी जी, कंडीशन पहुंच चुके हैं और रात को सही से नहीं सो पाते हैं। जी, तो डॉक्टर्स एक्चुअली सही कह रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से कि और कुछ बचा नहीं है, एक सर्जरी से ही बचाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले में विश्वास है और हमारी बात आप समझ सकें तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तो आपने सबसे पहले इनका चलना फिरना बंद कराना है कम से कम 3 महीने तक। बाई चांस भी इनको खड़ा मत रखिए, टॉयलेट भी ये छड़ी के साथ नहीं बल्कि वॉकर के साथ जाएंगी, कुर्सी पे बैठ के नहाएंगी और बिल्कुल भी खड़े नहीं होना, क्योंकि घाव इतने गहरे हो चुके हैं कि उनको ठीक होने का थोड़ा समय चाहिए। दूसरी चीज आप क्या करेंगे कि आप अर्थराइट प्लस के दो कैप्सूल सुबह दो शाम को लेंगे और जेन आर्थरो का एक सैशे दूध में मिला के रोज इनको एक देंगे। उसके साथ साथ आपने एक प्रोसेस है जिसको हम स्लाइस कहते हैं, हथेली में आप कोई तेल ले लेंगे, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, उसमें सूजीस के स्प्रे करेंगे दो करके, अगर इनकी क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है तो 4 स्प्रे भी कर सकते हो, तो देखिए कितने से आराम मिलता है। स्प्रे करेंगे, मल दीजिए अच्छे से, क्रेप बैंडेज बांधिए अच्छे से, लेटे रहेंगी और इनके एड़ी के नीचे 3-4 तकिए रखिए कि वहाँ से फ्लो के साथ जो स्वेलिंग है वो वापस शरीर तक जा सके, और उसके बाद आपने एक थैली के अंदर बर्फ डालनी और वहां पे उसका सेक करना है।
मैं जानता हूँ कश्मीर में बहुत ठंड होती है, लेकिन हीटर साथ में 2-3 लगा दें, क्योंकि हीट देना नुकसान दे सकता है इस कंडीशन में। यहाँ पर आइसिंग करना सही रहता है, तो 1 घंटा आइसिंग करवाएं और उसके बाद फिर इनको घुटने की एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। धीरे धीरे जब इनकी कंडीशन इम्प्रूव होगी तब इनको हम साइकिलिंग की तरफ बढ़ाएंगे। याद रखिए 1-2 महीना कम से कम लगेगा इम्प्रूवमेंट आने में, लेकिन उम्मीद है, और ऐसे ही सैकड़ों केसेस आपकी मदर के जैसे ठीक हो चुके हैं। इसलिए इसको इस्तेमाल कीजिए, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से लगातार बात करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए, और इनकी जिंदगी बदलिए जैसे कि इन्होंने आपकी जिंदगी बदली थी आपको इस दुनिया में लाकर। चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे, जहां हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए या फिर देखिए हमारा रिपीट टेलीकास्ट, या फिर आज और अभी डॉक्टर जी से बात करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आप ही के एक पेशेंट जिन्होंने आपकी सारी बातें मानी, प्रोटोकॉल को सही से फॉलो किया और अब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम कुसुम है, मैं भजनपुरे में रहती हूँ। मैं 6 साल पहले गिर गई थी, चल फिर नहीं सकती थी, एक्सरे कराए, एक्सरे में कह रहे थे हड्डी टूट गई है या हिल गई है, जो भी है डॉक्टर ने ऐसे बोला था। फिर उन्होंने अपनी दवाई शुरू करी, उनसे कोई आराम नहीं आया और मेरे पैर बिल्कुल बेकार हो गए घुटने, और एकदम मैं बेड पे थी, चल फिर बिल्कुल नहीं सकती थी, टॉयलेट भी नहीं जा पाती थी अकेले। अब मैंने डॉक्टर जी का प्रोग्राम देखा और मैंने उनके सप्लीमेंट मंगाए, अर्थराइट प्लस और सूजी स्प्रे, वो दोनों यूज किए, जब से मुझे बहुत आराम है। अब मैं चल भी सकती हूँ और मैं साइकिलिंग करती हूँ, डॉक्टर जी साइकिलिंग के लिए बोलते हैं, मैं 1/2 घंटा साइकिलिंग करती हूँ, अब मुझे बहुत आराम है। पहले मैं कोई काम नहीं करती थी, अब मैं कुर्सी लेकर सारा काम खुद ही करती हूँ और मैं ज़्यादा खड़ी नहीं होती, जो डॉक्टर जी ने कहा, जो उनकी टीम कहती है वही सब फॉलो करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे बहुत ठीक कर दिया है और अब मैं बहुत जल्द और भी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर जी बोलिए। मजा आ गया, फिर से कहूंगा मजा आ गया, बहुत मजा आ गया देख के कि हम आपको ऐसे रिजल्ट्स दे सके, यानी कि आपने मेहनत करी, हम बने जरिया रिजल्ट्स देने के लिए। डॉक्टर जी यहाँ लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो, मैं अंजू कंबोज बोल रही हूँ बड़ौदा से। अंजू जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो अंजू जी कुछ आप जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? मुझे नी प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं होम्योपैथी दवाई लेती थी जी, और बाद में जब ज्यादा होने लग गया तो फिर एलोपैथी डॉक्टर्स के यहाँ गई जी, तो उन्होंने एडवाइस किया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अंजू जी आपने ट्रीटमेंट लिया, आपको कितने दिनों के अंदर फायदा होना शुरू हुआ? मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा तो 10-15 दिन के अंदर ही दिखाई देने लग गया जी। जी फर्क दिखाई पड़ने लग गया था। आपने सिर्फ आर्थराइट प्लस लिया था या जन आर्थ्रो भी लिया था? दोनों लिए। वेरी गुड। मुझे काफी फर्क महसूस हुआ, पहले मैं 5 कदम भी नहीं चल पाती थी। अच्छा जी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी जी। अब कितने कदम चल पाती हैं आप? अभी तो बहुत अच्छी तरह से घूम फिर सकती हूं। अब 5,000 चल जाती हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। जी तो अंजू जी एक चीज बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ और कितने समय से आप ट्रीटमेंट ले रही हैं? मैं 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मेरा यू कैन से 80-90% हो गया है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। फैंटास्टिक अंजू जी, समटाइम्स आई फील लाइक दैट। आप करीब 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हैं? हाँ जी। अंजू जी आप साइकिल कितनी चलाती हैं बताइए?
मतलब मिनट का तो मुझे ख्याल नहीं है, पर मैं सुबह जैसे पूरी एक्सरसाइजेज जो है मेरी आधे से पौने घंटे तक चलती है। वेरी गुड, तो बहुत ही सही टाइमिंग है, आधे से पौने घंटा आप सुबह कर लें, शाम को कर लें। मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अपने शरीर पे इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी और टाइम हम सबके पास होता है अगर उसको प्लान कर लें तो। अंजू जी, 6 महीने के अंदर 80-90% नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की सजा सुनाने के बाद इंप्रूवमेंट करना फैंटास्टिक, शाबाशी मेरी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेहनत करी और आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आपको क्या लगता है कितने समय में आप इसको 100% तक ले जा पाएंगी? शायद नेक्स्ट मंथ तक हो जाए। फैंटास्टिक, मंथ में, एक महीने में ले जाइए, वहां पर आर्थराइट प्लस जनार्थ्रो को बंद कीजिए, साल में 3-6 महीने का कोर्स करते रहिए, लेकिन साइकिलिंग और एक्सरसाइजेस बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक्सरसाइजेस की ड्यूरेशन 10 मिनट रखिए और 20 से 30 मिनट साइकिलिंग करते रहिए। अगर आप फ्यूचर में एक बार भी करेंगे दिन में, उससे भी आपको आराम लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप भी मेहनत करके 100% रिजल्ट्स पा सकते हैं, पर उसके पहले शुरुआत कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। पर अभी वक्त है उस सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं गिफ्ट टू लाइफ। चलिए पूछते हैं डॉक्टर जी से कि इस बार वो हमारे लिए क्या क्या तोहफे लाए हैं। डॉक्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हों, और इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड है इंसान की मदद करने का, आप मेहनत करना चाहते हैं और अपने परिवार में कुछ और पैसा लाना चाहते हैं किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल कर, यानी कि उसको फ़ायदा पहुंचा के, तो हमारे फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के बारे में एक सज्जन है हमारी कंपनी में, मिस्टर नीरज गुप्ता। उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने और अपने परिवार की लाइफ चेंज करने के लिए। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो, 2-3 घंटे दिन में समय हो, आप अपने छत पर एक खुले इलाके के अंदर या कहीं पर भी जहां मिट्टी भी ना हो, वहां पर पौधे उगा सकते हैं। उसमें हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम नारियल के छिलके पर उगा सकते हैं या हम पानी में तैरती हुई सब्जियां उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानिए किस तरीके से आप इसको टेक्नोलॉजी को सीख सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें। जब आप यहाँ से खाना प्रोड्यूस करेंगे, उससे आप फ्रेश और बिना पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वाला खाना अपनी टेबल पर ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा उगा सकते हैं या आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारी टीम से बात करें, हम आपको पार्टिसिपेट कराएंगे कि लोगों को आप ये सब्जियां बेच सकें और कुछ पैसा कमा सकें, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2-3 घंटे की है दिन में। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के बारे में, हमारे हाइड्रोपोनिक प्रोग्राम के बारे में, हमारी टीम से बात करें। और जब आपकी लाइफ हम फाइनेंशियली बदल सकेंगे, तब मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। डॉक्टर जी, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए और आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। दोस्तों, समय की कमी है, जाना तो पड़ेगा, पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप अब भी डॉक्टर जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी आप सबके लिए हमेशा तत्पर हैं। आप हमें ईमेल कीजिए, लिखिए या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है at.drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं, और आप हमसे Facebook, Twitter, Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स, आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो, और ज्वाइंट पेन केयर के लिए डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज, एक्सरसाइज प्लान के साथ साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो मंगाकर पा सकते हैं विश्वास दर्द रहित जिंदगी का और जज्बा अपने आर्थराइटिस को डिफीट करने का। ऑलराइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे के अगले एपिसोड में ढेर सारी नई नॉलेज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।